हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम हॉस्पिटल से रिलेटेड फुल फॉर्म्स देखने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट्स मेडिकल में होते हैं जो फर्स्ट ईयर में होते हैं नए नए स्टूडेंट्स होते हैं नर्सिंग मेडिकल के या पैरा मेडिकल के उनको शॉर्ट फॉर्म्स समझने में प्रॉब्लम आती है कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता है वार्ड की फुल फॉर्म कुछ वार्ड्स पे शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं तो समझ में नहीं आती है। तो ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इसको समझने में साथ ही अगर आप मेडिकल से भी नहीं हो सिर्फ अपनी जी बढ़ाने के लिए जनरल नॉलेज के लिए समझना चाहते हो तो आप लोग यानी आम जनता भी इस वीडियो को देख सकती है उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल ही रहेगी तो इस तरह की वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें और मैं आपसे कुछ नहीं कहती हूँ प्लीज़ पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए तो शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले है कि हॉस्पिटल वार्ड रिलेटेड फुल फॉर्म्स सबसे पहले हम देखेंगे हॉस्पिटल के जो वार्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड फुल फॉर्म्स क्या क्या बनती हैं सबसे पहले है ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो पेशेंट आते हैं चेक करा कर चले जाते हैं वो आउट पेशेंट ओ में आते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फॉर्म है अगर उन पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं या जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो आई में होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इन पेशेंट डिपार्टमेंट अगला है सी सी यू कार्डिय केयर यूनिट जो पेशेंट हार्ट वाले होते हैं हार्ट की डिजीज़ जिनको होती है हार्ट प्रॉब्लम जिनको होती है वो सी सी यू में एडमिट किए जाते हैं कार्डियक केयर यूनिट में आई सी यू इंटेंसिव केयर यूनिट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट जो होते हैं वेंटिलेटर पे जो होते हैं बाईपैप पे सी पैप इनको रखना पड़ता है वेंटिलेटर पे बहुत सीरियस है कंडीशन जिनकी वो आईसीयू में रखे जाते हैं और उनकी बहुत केयर होती है कंटीन्यूस मॉनिटर मॉनिटरिंग पे वो रहते हैं और सी में भी क्रिटिकल पेशेंट होते हैं अगला है एन आई इंटेंसिव केयर यूनिट जो नवजात शिशु होते हैं जीरो टू वन टू ईयर तक के जो बच्चे होते हैं यानी कि वन ईयर तक तो मान ही लो बिल्कुल जो नवजात शिशु हैं वो निकु में होते हैं एन आई सी यू इसको बोलते हैं पिको पी आई सी यू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट सब हॉस्पिटल में भी नहीं होता पर कुछ कुछ हॉस्पिटल में तो होता है ये थोड़े बड़े बच्चे इसमें रहते हैं जैसे बारह साल वाले तेरह साल वाले या पाँच दस साल वाले इस थोड़े बड़े जो बच्चे होते हैं यानी बिल्कुल नवजात शिशु इसमें नहीं होते हैं जो अठारह साल से कम एज तक के होते हैं उनको पीआईसीयू में रख देते हैं जहाँ पर पीआईसीयू होता है यानी कि हॉस्पिटल में जहाँ पर नहीं होता फिर वो तो सिंपल वार्ड्स में ही जाते हैं अगला है सी टी वी एंड वस्कुलर सर्जरी ये सी टी कार्डिक पेशेंट का ही होता है जहाँ पर सर्जरी वाले यानी कार्डिक सर्जरी जिनकी हुई होती है फिर वो सी टी वी एस आई सी यू में चले जाते हैं सी टी वी एस आई सी यू इसको पूरा बोलते हैं फुल फॉर्म आप देख ही सकते हो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो ये वाला जो फुल फॉर्म्स है ये हॉस्पिटल एग्जामिनेशन रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं अभी हमने वार्ड रिलेटेड देखा था अब हम एग्जामिनेशन होते हैं कुछ हॉस्पिटल में उससे रिलेटेड देखेंगे जैसे कि बी यानी कि ब्लड प्रेशर टी पी आर टेम्परेचर पर्स रेस्पिरीशन आर बी एस आर बी एस हम कहते हैं शुगर टेस्ट जो होता है ग्लूकोज टेस्ट ग्लूकोज मॉनिटरिंग तो रैंडम ब्लड शुगर आर ए करना है इसे रैंडम ब्लड शुगर को हम कहते हैं आर बी एस यानी कि किसी भी टाइम चेक करा ऐसा नहीं खाली पेट देख रहे हैं फास्टिंग कर रहे हैं वो वाला नहीं है ये रैंडम है किसी भी वक्त यू एस जी डॉक्टर्स कई बार अपनी पर्ची पे लिखते हैं भाई यू एस जी कराओ तो अल्ट्रा सोनोग्राफी या फिर सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड को इसे कहते हैं सी एक्स आर चेस्ट एक्सरे को कहा जाता है एम आर आई ये आपने पढ़ा होगा कई बार मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग टीम टी ई एम अगर लिखा जाए तो टेम्परेचर को कहा जाता है टेम्परेचर की भी शॉर्ट फॉर्म होती है उसी तरह से पी आर पल्स रेट नेक्स्ट है रेस्पिरेशन रेट आर आर पी आर 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 ये इजी है तो ये हो गए डॉक्टर की जो सॉरी ये जो हमने देखा है वो हॉस्पिटल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है एग्जामिनेशन जो होते हैं अगला है सी टी स्कैन ये भी एग्जामिनेशन ही है एक तरह का तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी सी टी हम कराते हैं पेशेंट का लिखा होता है सी कराओ एम कराओ तो उनकी सबकी फुल फॉर्म्स हमने देख ली अगला आता है प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड डॉक्टर्स पर्ची पे कुछ लिखते हैं ठीक है प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं पर्ची पे तो वो क्या लिखते हैं छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी से लिखते हैं तो वो देख लेते हैं अब हम सबसे पहले वो लिखेंगे एच ओ लिख लिखते हैं वो ज़्यादातर तो आपने पढ़ा होगा इसको भी पर्चियों पे तो हिस्ट्री ऑफ यानी कि क्या हिस्ट्री है मरीज की उसका टी एक्स आर एक्स कई बार वो लिखते हैं तो इसका एक ही मतलब है ट्रीटमेंट जो भी ट्रीटमेंट दवाइयाँ वो शुरू करते हैं उसको वो आर एक्स करके टी एक्स करके लिखते हैं सी ओ कम्पलेंट ऑफ जो भी मरीज की कम्प्लेंट्स हैं ओ ऑन एग्जामिनेशन डी एक्स डायग्नोसिस जो भी डिजीज़ निकली जो भी डायग्नोस हुआ एग्जैक्ट ऐसे होता है साइन एंड सिम्टम जो मरीज ने बताया वो साइन एंड सिम्टम जो उसके लक्षण थे यानी कि पी वी पर वजाइनल ये तो ये थोड़ा सा अलग आ गया यहाँ पे टेस्ट वाली चीज़ें आ गई हैं इसी जी डॉक्टर लिख सकते हैं यानी ये एग्जामिनेशन करवाना है ये हॉस्पिटल एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे मिक्सअप हो गया है थोड़ा मुझसे ई होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करना ई होता है तो ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है इसको ई जी इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं जब हम ब्रेन को चेक करेंगे वो वाला ई e -E होता है एंड पी वी पर वेजाइनल कुछ भी वेजाइना के थ्रू देना उसे पी कहते हैं या चेक करना तो उसे भी फ्रेंड्स अब देखिए नेक्स्ट है मेडिसिन रिलेटेड फुल फॉर्म्स मेडिसिन से संबंधित भी कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं जो डॉक्टर पर्ची पे लिखते हैं अपनी फाइल में पेशेंट की फाइल में लिखते हैं जैसे कि सी ए पी कैप यानी कि कैप्सूल टैब यानी कि टैबलेट आई एन जी इंजेक्शन एस पी एस वाई पी सिरप आई वी इंट्रा वेनस वेन्स के, के, के थ्रू जो ड्रग दे रहे हैं इंजेक्शन दे रहे हैं मेडिसिन दे रहे हैं वो आई वी आई एम जो मसल्स में दी जा रही है नाइन्टी डिग्री पे लगता है ना तो उसे हम आई एम कहते हैं पी ओ यानी कि जो ओरल ली दी जा रही है जैसे टैबलेट्स हम ओरल ले लेते हैं तो पी ओ उसको टेबलेट को हम पी ओ लिखेंगे कि पी ओ लेना है ये जो टैबलेट है कोई टैबलेट का नाम लिखा तो डॉक्टर उसके आगे पी ओ भी लिख सकते हैं किसी किसी पर्चे में फिर एस सी सबको टेनियस जो दिया जाता है वो अ, उसको सब एस सी लिखा जाता है एस सी करके एंड साथ ही मैं आपको इनके एंगल्स भी बता देती हूँ जब सबको टेनियस की बात आती है तो फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पर ये वाला लगता है इंजेक्शन और आई वी लगता है सॉरी थर्टी या पच्चीस डिग्री पच्चीस से तीस डिग्री पे ये लगता है और आई एम आपको पता है नाइन्टी डिग्री पे बहुत कॉमन है काफ़ी बार पूछा जाता है उसी तरह से पी आर है पर रैक्टम रैक्टम से कुछ एग्जामिनेशन हो रहा है तो पी आर लिखा जाएगा वेजाइना के थ्रू तो कुछ एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फिर ड्रग दे रहे हैं कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो पी पी पर रैक्टम दिया जाता है अनिमा पर रैक्टम ही दिया जाता है पर वेजाइनल दिया जाता है बहुत सी चीज़ें रैक्टम में सपोजिट्री भी दिया जाता है अब लेबोरेटरी रिलेटेड फुल फॉर्म्स लेबोरेट्री में हम क्या होता है लैब से रिलेटेड होते हैं कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं तो उससे रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं डी सबसे पहले टोटल ल्यूकोसाइट यानी ये डब्ल्यू जो सेल होते हैं उनको ल्यूकोसाइट कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डी एल सी डिफ्रेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट सी बी सी कम्प्लीट ब्लड काउंट इसके अंदर और फर्दर टेस्ट आते हैं आर एफ टी रीनल फंक्शन टेस्ट के एफ़ टी भी इसको बोलते हैं चाहे के एफ़ टी बोलो या आर एफ टी बोलो इसका मीनिंग सेम होता है किडनी का टेस्ट यानी कि किडनी का टेस्ट जब हो रहा है रीनल का टेस्ट हो रहा है तो एल एफ टी लीवर फंक्शन टेस्ट पीटी टी प्रोथ्रॉम्बिन टाइम बी टी ब्लीडिंग टाइम सी टी क्लॉटिंग टाइम अगर लैब में सी टी लिखा आता है ना तो फिर वो क्लॉटिंग टाइम होता है और अगर हम रेडियोलॉजी uh, वाली बात करें टेस्ट वाली बात करें रेडियोलॉजी का टेस्ट तो सी टी होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए मेडिसिन टाइमिंग रिलेटेड मेडिसिन की डॉक्टर्स टाइमिंग भी लिखते हैं आपने काफ़ी देखा होगा पर्चियों में दवाइयों के आगे डॉक्टर्स टाइमिंग भी डालते हैं कि ये जो मेडिसिन है जो भी है पेंटॉप है रेंटेक है जो भी मेडिसिन है उससे आगे लिख देते हैं कि भाई ओ डी बी डी टी डी एस तो यही हम देखेंगे यहाँ पर सॉरी बी पी नहीं है फ्रेंड्स ये बी डी है एक मिस्टेक मुझसे हो गई है बी डी लिखते हैं इसको बी डी ठीक है बी पी लग रहा है ना ये बी डी है ये बी डी या फिर बी आई डी अगर डॉक्टर लिखते हैं तो उसका मतलब है कि दिन में दो बार टू टाइम्स अ डे टी डी एस अगर लिखते हैं या टी आई डी लिखते हैं थ्री टाइम्स अ डे दिन में दो बार दिन, तीन बार ठीक है ओ डी मतलब दिन में एक बार ही जो दवाई लेनी है वो एक बार को ओडी स्टेट इमिजिएटली उसी वक्त देनी है ऐसा नहीं है कि उसको दिन में तीन बार चलाना है या दो बार चलाना है या एक बार चलाना ही स्टेट यानी कि उसी वक्त देना है अभी दो उस मेडिसिन को एच एस मतलब बिफोर स्लीप या फिर नाइट टाइम में जो एट बेड टाइम भी इसको लिख सकते हैं सोने से पहले इसको लेना है मेडिसिन को क्यू आई डी चार बार लेना है बी बी एफ बिफोर ब्रेकफास्ट एस ओएस अगर ज़रूरत है इफ़ नीडेड जैसे पेन आ गया पेन नहीं था पेन आ गया तो तब ले ली पेन नहीं है तो नहीं लेना है पेन किलर तो ये एस ओएस में चला जाएगा पी सी और ए सी दो हैं पी सी में आता है आफ्टर मील खाने के बाद ए सी मतलब बिफोर मील खाने से पहले तो फ्रेंड्स ये थी फुल फॉर्म्स तो यहाँ पर फुल फॉर्म्स जो थी मेन मेन आपकी फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जनरल नॉलेज के लिए आपकी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है प्लीज़ इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके और वीडियो को लाइक करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना थैंक यू